हेलो भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाल प्रैक्टिकल में। भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो डाल रहा हूँ। तो भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगा कि 240 दवाई स्प्रे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाइयों, आप देख रहे होंगे कि चने की फसल है। ये देखिए, ये चने आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से इसके माथे बन गए और ये कैसे हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पर 240 का असर हुआ है। ये देखिए किस तरह से हो गए ये सब। ये तो भाइयों, इस पे कोई 240 का स्प्रे नहीं किया है। ये आप देखिए, पास में ही गेहूं की फसल है इस खेत में, तो इसमें 240 का स्प्रे किया था। तो हो सकता है इसमें बारीक बारीक हवा के माध्यम से फवार चले गए, जिससे कि ये चने के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो गया। अब देख लीजिए, इसकी और इसकी दूरी काफ़ी है। ये यहाँ पर है और ये यहाँ। भाइयों, छांटते इसका स्प्रे करते समय भी बहुत सावधानी रखी, लेकिन उसके बाद भी बारीक कण हवा में जो उड़ कर गए, उससे इस चने की फसल में इसका इफेक्ट हो गया है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसी कोई फसल है आसपास, तो आप बिल्कुल ही सावधानी से उसका स्प्रे करें। मैंने इसका स्प्रे पेट्रोल वाले पंप से किया था, लेकिन वो भी धीरे धीरे किया था। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप वो हाथ वाले पंप से बिल्कुल स्लो इसका स्प्रे करें, जिससे कि आपकी पास वाली फसल ख़राब ना हो। और एक बात और, कि आप इसे ध्यान रखें कि हवा का रुख ज़रूर देख लें। अगर उस फसल की तरफ हवा का रुख है, तो उस दिन आप इसका स्प्रे ना करें, जिससे कि आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। और भाइयों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चने या ऐसी कोई सी फसल है जिस पे इस 240 या ऐसी कोई सी भी दवा का अगर असर होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी स्थिति होती है, तो आप 72 घंटे के अंदर उस पे ग्लूकोज का स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि आपकी फसल सही हो जाएगी। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स देखने के लिए।